ओके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हमारे साथ हुआ क्या था। एक्चुअली कुछ इतना बड़ा सीन है नहीं, बट ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ ना हो एंड आप लोग थोड़ा केयरफुल रहो। हमारे साथ हुआ नहीं, बस होने वाला था। एक्चुअली हुआ क्या था उससे पहले अभी एक क्लिप देख लो। ऐसे नहीं चलेगा यार, पहले 150 मिनट कर दिया था मैंने, पहले 150 मिनट कर दिया था मैंने, मैं 50 दिन का डाल दूंगा। नहीं नहीं फिर भी यार, मैं गूगल पे करूंगा ना आपको। देख रहे हो पेट्रोल पंप वाले स्कैम कर रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या, आप लोगों ने क्लिप देखी होगी, उसमें उस बंदे ने खुद बोला कि मैंने 150 का मीटर पहले से ही सेट कर दिया था एंड पैसे लेने की भी जल्दी कर रहा था, पेट्रोल डालने से पहले पैसे मांग रहा था, जल्दी जल्दी कर रहा था, मतलब कि जल्दी जल्दी दे दो पैसे। तो मैं आप वो भी जब पता लग गया था, उसका खुलासा हो गया था, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था कि देखो एग्जांपल के लिए अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। चार दोस्त थे हम, ठीक है। एक फ्यूल पंप पे दो लाइन में ऐसे होते हैं पेट्रोल पंप, जैसे आप लोगों को पता ही होगा, एक फ्यूल पंप यहाँ पर था पेट्रोल पंप पे और एक फ्यूल पंप स्टेशन पंप यहाँ पर था। तो क्या हुआ कि हम चार बंदे थे, दो आगे वाले में चले गए और दो पीछे वाले में रह गए। तो मैं और मेरा दोस्त है एक, उसके पास भी ड्यूक 390 है और मेरे पास भी ड्यूक 390 है। तो उसका नाम हम उसे प्यार से हम मंकी बोलते हैं, तो इस वीडियो में भी हम उसे मंकी ही बोलेंगे। तो हुआ एक्चुअली ये था कि मेरा दोस्त जो मंकी था उसने अपने ड्यूक 390 में डलाया 50 रुपए का तेल, ठीक है। उस जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने वाला था उसने वर्कर उसने उसकी गाड़ी में 50 रुपए का तेल डाल दिया और मैं उसके जस्ट पीछे था एंड मैंने ये बोला ही नहीं कि मैं 100 रुपए का तेल डाल रहा हूँ मंकी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा दोस्त मंकी 50 रुपए का डला रहा है, ठीक है। तो मैं उसने मेरे दोस्त की गाड़ी में 50 रुपए का तेल डाला, उसने मीटर जीरो किया ही नहीं और वो मेरी गाड़ी में डालने लग गया। मैंने उसको बोला, मैं उसको लगा मैंने देखा नहीं क्योंकि हम थक के आ रहे थे, गर्मी हो रही थी उस टाइम, हम बाइक चला के आ रहे थे, दिन के 2 बज रहे थे। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई मीटर तो जीरो कर दे, उसे लगा मेरा ध्यान है नहीं और उस टाइम मेरा कैमरा भी ऑन नहीं था। जैसे ही मैंने देखा उसने मीटर जीरो नहीं किया, मैंने जैसे ही बोला कि भाई तू मीटर जीरो कर दे और मैंने उसी टाइम कैमरा ऑन कर दिया क्योंकि मुझे लग गया था कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने पहले कैमरा ऑन कर दिया। वो फट वहीं से भाग के गया, उसने मीटर दोबारा जीरो करा और बोल रहा कि मैंने 150 का मीटर लगा रखा था क्योंकि उसने मंकी की गाड़ी में 50 का डालना था, मेरी गाड़ी में 100 का डालना था। भाई हम दोनों में से किसी ने बोला ही नहीं तेरे को, ना मेरे दोस्त ने बोला ना मैंने बोला कि भाई तुम मेरी गाड़ी में 100 रुपए का डाल, तो तूने 150 रुपए का पहले से मीटर कैसे सेट कर लिया, ये पॉइंट है ना वहां पर। एंड बहाना देख रहे हो, जब मैंने उसे ये बोला ना कि भाई मीटर जीरो तो कर दे, क्या बोलते हैं, तूने मेरे दोस्त का 50 का डाल दिया है, तूने मीटर जीरो नहीं किया, तो बोल रहा कि मैंने 150 का सेट कर रखा। जब मैंने बोला भाई मैंने 100 का तुझे बोला ही नहीं कि 100 का तेल मेरे को डलाना है, तो तू पहले से कैसे बोल सकता है कि तूने पहले से 150 का सेट कैसे कर दिया। अगर मैं वहां जाके 200 का बोलता ना तो वो भी कुछ मतलब बहाना पहले से बना के रखते। तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में, बस आप लोगों को मैं समझाने के लिए कर रहा था, ठीक है। ऐसा अपने देखो उत्तराखंड में ऐसा स्कैम बहुत कम होते हैं, बड़ी सिटियों में ज्यादा होते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, इन यहाँ जगह बहुत ज्यादा होता है, बट उत्तराखंड में मैंने खुद अपने साथ तो पहली बार देखा है, किसी और के साथ तो मैंने देखा नहीं अभी वीडियो पे। ऐसे नहीं चलेगा यार, पहले 150 मिनट कर दिया था मैंने, 50 दिन का डाल दूंगा। नहीं नहीं फिर भी यार, मैं गूगल पे करूंगा ना आपको। लव स्कैनर दिखा दो, हमारे पास कहाँ है सेटिंग होगी आपकी, तो एक थैले में देने। देख रहे हो पेट्रोल पंप वाले स्कैम कर रहे थे। एक्चुअली हुआ क्या, मेरा दोस्त है ना मंकी 390 वाला, तो उसने 50 रुपए का तेल डलाया और मैं 100 रुपए का डला रहा था, तो भैया ने 50 रुपए का तेल डाल दिया उस मेरे दोस्त की गाड़ी में और जीरो भी नहीं किया मीटर और मेरी गाड़ी में डालने लग गए। फिर जब मैंने बोला ना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जीरो तो कर लो, तब वो बोल रहे भैया मैं 150 का डाल रहा। अरे जब मैंने बोला ही नहीं कि तू 150 का कर, तो तू कर ही क्यों रहा मीटर को सेट 150 का, 50 उसकी गाड़ी में डाल, 100 मेरी में डाल जा। लास्ट में मैं अगर वो क्या करता ना कि अगर उसने मंकी की गाड़ी में 50 का डाल दिया, उसके बाद वो मेरी गाड़ी में 50, छोड़ो यार समझ नहीं आएगा, अभी रुक के बताऊंगा। तो ज्यादा कुछ बड़ा सीन ऐसा हुआ नहीं, हम प्रैंक बोल रहा, हम स्कैम से बच गए एंड ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ, ठीक है। बंदे की मैं फोटो ब्लर कर दूंगा और जो पेट्रोल पंप का एरिया है वो भी थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा क्योंकि लोग पहचान जाएंगे दर्द से जो देखेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ वह है नहीं, बट बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि अपने उत्तराखंड में ऐसे लोग होते नहीं है जो स्कैम करते हैं, ठीक है। दिल्ली डूली बड़ी सिटी में हो जाता है बट अपने उत्तराखंड में इतना ज्यादा नहीं होता। बट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे हंसी भी आ रही थी एंड मैंने देखो मैं समझ गया था, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया ना तो उस बंदे ने बोल दिया कि भाई मैंने 150 का मीटर सेट कर रखा।
मैंने बोला भाई मैं तो 150, तो कोई बोला ही नहीं कि 100 का डाल। जैसे तूने मेरी गाड़ी में, मेरे दोस्त की गाड़ी में 50 का तेल डाला, तो वहीं से स्टार्ट करने लग गया। अभी मैंने बोला भाई मेरे को 100 रुपए का तेल डालना है, मीटर जीरो तो कर ले, तब तो बोल रहा कि मैंने 150 सेट लगा रखा। जब मैंने बोला ही नहीं कि तू मेरे को 100 का डलाना है, तो तू 150 का मेरी दोस्त की गाड़ी से भी पहले कैसे सेट कर सकता है। तो यही थोड़ा सा छोटा सा स्कैम था एंड कुछ ज्यादा नहीं है। पता क्या होता है, ये क्या होता कि अगर मैं ध्यान नहीं देता, उसने 50 रुपए की गाड़ी में तेल मेरे दोस्त की गाड़ी में पहले से डाल रखा था, और वो वहीं से कंटिन्यू कर रहा था, मेरी गाड़ी में डाल देता 100 का, तो मीटर में तो 100 लिखा आ जाता और मैंने देखा नहीं होता, तो वो मेरे से 100 रुपए ले लेता। तो मेरी गाड़ी में 50 का तेल हो जाता और मेरे दोस्त की आगे वाली गाड़ी में भी 50 का तेल हो जाता। इससे होता कुछ नहीं, जो 50 रुपए बचते वो उस बंदे की जेब में चले जाते, वो पेट्रोल पंप वालों को भी नहीं जाते। खैर ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उसके लिए थी ताकि आप लोग थोड़ा सावधान हो। मैं बहुत दिनों से खुद कुछ ब्लॉग नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला फैमिली ब्लॉग भी हो जाएगा एंड आप लोगों को मैंने केयरफुल कर लिया। ऐसा कोई हीट बुक सीन नहीं है, मुझे पता, देखो ज्यादा कुछ सीन हुआ नहीं है इसलिए बच गए, पर 50 रुपए की कोई बात नहीं है। बट कमाने और ना कमाने में ना बहुत अंतर है, जो कमाता है ना तो उसके लिए 1 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है ज्यादा, बट फिर भी 1 रुपये की कीमत भी बहुत ज्यादा होती है। तो मतलब कमाने वाले को पता नहीं कि 1 रुपये की कीमत क्या होती है, तो 50 रुपये की कीमत भी बहुत होती है, ऐसा नहीं है। देखो हम लोग ना कॉलेज स्टूडेंट है एंड कभी कभार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे पास ना पैसे नहीं होते गाड़ी में तेल डलाने के, एंड कभी कभार तो बहुत पहले भी ऐसा होता था कि जब मैं मतलब अच्छा खासा यूट्यूबर भी नहीं था, अभी तो खैर थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है यूट्यूब से भी, जब पहले नहीं आता था ना, तो मुझे आज तक याद है कि ड्यूक का टैंक मैं फुल रखता था और अपने को जब भूख लगती थी तो मैं खाता नहीं था, मैं 50 रुपए का तेल उल्टा ड्यूक में डला देता। मान लो मैं थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर फुल टैंक है मेरी गाड़ी का, और मैं घर से 1-2 किलोमीटर घूम मतलब 5-6 किलोमीटर घूमने गया, तो मैं खुद कुछ खा के नहीं आऊंगा, 50 रुपए का तेल उल्टा और जो फुल हो ही रखा था वो थोड़ा सा कम होगा, उसको और फुल करके वापस घर। तो पैसे की कीमत हमें पता है एंड अभी थोड़ा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्री का पैसा है, मेहनत का पैसा है, तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो 1 रुपये हो, 50 रुपये हो या 50 लाख हो। तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाई, ज्यादा कुछ था नहीं इस वीडियो में, बाकी मैं अभी घर में हूँ एंड आप लोगों से मिलाता हूँ सबको घर में। गाइस यहाँ पर हमारी नानी एंड नानी खीरा खाते हुए, बाकी ये रही अपनी लूसीफर एंड यही अपनी ड्यूक 390 है एंड इसको हमने 1290 मॉडिफाइड कर रखा है। फिलहाल मैं सोच रहा था इसका कुछ मॉडिफाइड किया जाए, या तो इसका कलर चेंज किया जाए, कलर चेंज करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि ना इस कलर से ना मेरी ना पहचान हो चुकी है, सब लोग इस बाइक के इस लुक से मेरे को जानते हैं कि ड्यूक 390 ओनर है, मतलब DNA राइडर हूँ। एंड अभी के लिए मैं सोच रहा था कि गर्लफ्रेंड तो मेरी है नहीं, तो यहाँ पर एक सीट काउल लगा देते हैं एंड ये फुटरेस्ट निकाल देंगे ताकि बाइक पूरी रेसिंग वाली हो जाए, तो ये सीट जल्दी हटाने की मैं सोच रहा हूँ एंड ये फुटरेस्ट भी हटा देंगे, पूरी ट्रैक वाली टाइप गाड़ी, मतलब ट्रैक भी क्या, नेकेड गाड़ी है, ट्रैक मशीन क्या बनेगी, बट सिंगल लॉन्डे, तो सोच रहे सीट भी हटाएंगे एंड सोच रहा हूँ पीछे एक व्हील कवर भी लिखा दे, तो उस व्हील कवर में मैं सोच रहा हूँ कुछ इस तरीके से लिखाऊंगा, व्हील कवर लगा दिया, यहाँ पर लिखाऊंगा सुपर ड्यूक 1290 और R, तो ऐसे तीन में अच्छा लगेगा, या तो सोच रहा हूँ DNA राइडर कुछ इस तरीके से लिखा दूँ। और एक जगह यहाँ पर 390 बचा हुआ है, ठीक है, मेरे वैसे गाड़ी को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि 1290 की 390 है, बट एक जगह ये स्टिकर है जहाँ से इसको पता लगा सकते हैं कि 390 है, तो इस स्टिकर को जल्दी निकाल देंगे एंड यहाँ पर जैसे एक बंदा है लायरेक्स नाम का, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी देखा है मैंने उस भाई को, तो आसाम का है शायद वो, मैंने ज़्यादा वीडियो तो देखी नहीं है, बट उसने यहाँ पर लायरेक्स लिखा रखा है, नाम तो जानता ही हूँ मैं। खैर तो वैसे करके मैं भी सोच रहा था इसमें भी DNA राइडर लिखा दूंगा अपनी लूसी में एंड अभी का ये सीन है, थोड़ी गंदी हो रही है, मैंने मतलब कोशिश तो करी थी धोने की बट अच्छे से नहीं धो पाया मैं एंड जल्दी इसको ना वॉशिंग में ले जाएंगे, बाकी इसकी सर्विस भी कराएंगे जल्दी, उसके बाद हम एग्जॉस्ट लगाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है इसका इंजन सीज हुआ था, इसीलिए मैं इसमें अभी SC प्रोजेक्ट नहीं लगा रहा, सोच रहा हूँ पहली सर्विस होने देता हूँ क्योंकि इंजन एकदम नया है, एकदम नया इंजन है क्योंकि पूरा काम हुआ है इंजन का, इसीलिए एकदम जैसे शोरूम से गाड़ी नहीं निकलती है वैसा ही इसका इंजन हो रखा है अभी, इसीलिए मैं इसमें एग्जॉस्ट नहीं लगा रहा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसकी फर्स्ट सर्विस होने देता हूँ, उसके बाद स्लिप ऑन SC प्रोजेक्ट जो मेरे पास पड़ा है, आप लोगों ने इससे बहुत सारी वाली पहली पुरानी वीडियोस में देखा होगा जब इसका इंजन सीज नहीं होता तो कैसी आवाज़ आती थी फ्लेम्स के साथ, तो वो जल्दी लगाएंगे, पहले इसकी सर्विस करा देंगे, उसके बाद सर्विस से पहले मैं नहीं करने वाला। बाकी इसका कवर यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस कवर को हम इसके ऊपर रख देते एंड ऑल राइट। मुझे पता है बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था, ब्लॉग देखो सच्ची बोलूँ मेरा मन नहीं कर रहा था ब्लॉग डालने का, ऐसा नहीं है कि ब्लॉग नहीं था, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा काम भी होता है, ऐसा नहीं घर के काम भी होते हैं इसलिए ब्लॉग नहीं डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी बहुत लोग प्यार करते मुझे पता है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि शिखो भाई वीडियो कब आएगी, तो वीडियो आ गई,
थोड़ी सी लेट हो रही है आजकल मुझे पता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है आप लोग सपोर्ट और प्यार करोगे, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो आप लोग तो रोला जमा ही देते हो। बाकी अपनी लूसी यहाँ खड़ी है एंड मैं जल्दी सोच रहा हूँ एक राइड का प्लान करते हैं, ठीक है ना। लद्दाख सोच रहा हूँ मैं, लद्दाख बस कोई चलने वाला हो जाए साथ में, ठीक है ना। देखो मैंने इतनी लंबी राइड कभी मारी नहीं है लद्दाख जितनी, एंड मैं मारना चाहता हूँ। हर एक बाइकर और हर एक राइडर का ड्रीम होता है कि वो अपने स्टेट से लद्दाख तक जाए, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी लूसी में लद्दाख जाऊँ, ठीक है ना। तो एक दिन जल्दी जाएंगे, पता नहीं वो कब दिन आएगा। मैं जाने को तो चले जाऊँगा, ऐसा नहीं है, बस थोड़े से अभी घर वाले हैं, क्योंकि अभी हम छोटे भी हैं, खुद सच बोलूँ ना, ज़्यादा बड़े तो है नहीं, हम 21 साल के लौंडे, हम भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं है कि हम लद्दाख चले जाए और घर वाले खुशी खुशी में जाने दें। तो थोड़ा घर वाले भी मनाना पड़ेगा, उसके बाद ही जा पाएंगे। बाकी ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो छोटा सा ब्लॉग था एंड होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जैसे करना, मैं तो बोलना भी भूल चुका हूँ कि बोलते कैसे थे, लास्ट में एंड में अपनी वीडियो कैसे एंड करता था। सो होप सो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ। सारे कमेंट रीड करता हूं, लव योर कीस एंड किंग बॉय, दिस इज योर डीएनए राइडर साइनिंग। नहीं बोलना नहीं भूला, शेर शिकार करना नहीं भूलता, ब्लॉगर ब्लॉग करना नहीं भूलता। वाह 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 वाह। चलो ठीक है, बाय बाय।